नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीके ब्लॉग्स पे। तो आज की वीकेंड थेरेपी हमारी जा रही है कुछ ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे हो सकती है सेल्फ कुकिंग। क्या कहते हो, सेल्फ कुकिंग? कोशिश तो यही रहेगी, कोशिश ये रहेगी। तो कोशिश कामयाब कौन करेगा भाई? अभी तो लाइन आ रही था हम है। हेलो, हाय गाइस, जो भी कोशिश होगी आप लोगों के सामने में प्रस्तुत होगी। अच्छा। आप कमेंट करके बताइएगा हमारी कोशिश कैसी रही। और एक हम एक चीज और इंट्रोड्यूस करेंगे इस ब्लॉग में, आपको बताएंगे बाद में। तो ये हमारा वीकेंड थेरेपिस्ट मिस्टर मयंक जोशी। अरे मयंक जोशी कहाँ हो गए? हेलो हेलो गाइज, अपने पास हेलो गाइज है ना। तो भाई अभी चलते हैं, इनकी आपस में बहस चल रही है। ये अभी बर्तन वर्तन इकट्ठे कर रहे हैं जाने के लिए। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो भाई पहाड़ों में घुस चुके हैं और शुरुआत हो चुकी है पहाड़ों में घुसने की। और सामने हमारा लीची का पेड़ देखो, फुल लीची लीची लगी हुई है। और यहाँ लीची की खेती होती है पहाड़ों की स्टार्टिंग में। जनरली ये बस्तियाँ गांव हैं, यहाँ पे लीची खेती बहुत होती है। आम वाम भी उगते हैं ना यहाँ पे? हाँ, आम वगैरह भी उगते हैं। मतलब एक अच्छी वेजिटेशन है यहाँ पे, अच्छी खेती हो जाती है, काफ़ी चीज़ें उगती हैं। तो लीची यहाँ बड़ी फेमस है। लोग रोड पे बैठे होते हैं लीची के पन्नियाँ वन्नियाँ बना के, एक एक किलो की लेना चाहो तो फ्रेश लीची आपको मिल जाएगी, मिल सकती है। जब भी टनकपुर से आप पहाड़ की तरफ चढ़ते हैं तो आपको बस्तियाँ गाँव सबसे पहला पड़ता है, वहाँ मिल जाती है लीची। फिलहाल चल रहे हैं आगे और देखते हैं क्या करते हैं हम आज। तो भाई पहुँच गए पहाड़ की दूसरी लोकेशन पर। देख सकते हो पूरी हरियाली है इस जगह पे। और गांव का नाम है सिनियाड़ी, जो कि हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। एक्सप्लोर क्या कर रहे हैं, मतलब यहीं कहीं आसपास घूमेंगे, विकेट थेरेपी बैठते हैं, कुछ पकाएंगे। फिलहाल अपना विकेट थेरेपी का स्पॉट नया नया चूज़ कर रहे हैं हर बार, ताकि कुछ चेंज आए वीडियो में। ऐसा निश्चय लोकेशन पर बार बार, बट ये हाँ सेम लोकेशन पर अच्छी लगती है, क्योंकि विकेट थेरेपी होती है वही है जहाँ आप पीस महसूस करो, अनकंफर्टेबल नहीं। तो देखते हैं यहाँ कितने कंफर्टेबल होते हैं हम, और करते हैं आपको विकेट थेरेपी का, कराते हैं आपको विकेट थेरेपी का एहसास। तो भाई ये देखो, ये भर के ले आया पानी। कौन सा? ये चिल्ड, बिल्कुल चिल्ड, फ्रिज फेल है, देखें जरा। तो पहाड़ों में क्या होता है ना भाई, पहाड़ों में कोई नल वल नहीं लगते, पाइपलाइन नहीं होती है, मतलब पाइप बिछे होते हैं, बड़े उत्सव होते हैं स्रोत के पानी के, और वो पानी होता है एकदम प्योर। तो एक बार मुंह धोएंगे पानी से और देखो भाई कैसा है पानी, मस्त है, ठंडा है? मुंह धोते हैं इससे, देखो ना बोतल देखो, एकदम क्लीन देखो, एकदम साफ पानी। और सोचो कहाँ आ रहा है, बस देखो ये खाली ये रोड सी बनी, रोड के बगल में पाइप लगा हुआ और ऊपर से कहीं पानी आ रहा है पहाड़ों में, और कितना प्योर पानी है। और मौसम भी ठीक है ऊपर को, क्यों ऊपर ही चलते हैं। तो भाई इस गांव के पास में देखो, एक गांव सामने है और एक गांव का छोटा सा एरिया है, छोटी नहर टाइप की जा रही है जो बरसातों में आती होगी, बट स्रोत का पानी सिर्फ यही है। तो यहाँ मुंह धोते हैं अपनी, पकड़ दे एक बार ऐसा पानी, वाह। लदा इधर को आओ, इस तरफ से हाँ छाया नहीं दिख रही है, क्या बात है। सीधा कैसा लग रहा है पानी, बहुत बढ़िया है ना, ऐसा लग रहा है जैसे फ्रिज में से निकाला गया हो। लल्ला कसम से हाथ लगाओगे ना, ऐसा पानी है ना, वाह मजा आ गया भाई, कतई आनंद नहीं आया, फुल माइंड फ्रेश हो गया, ऐसा लग रहा है वीकेंड थेरेपी का साथ स्टार्ट हो गया बढ़िया वाला, इसको कहते हैं रियल में विकेंड थेरेपी। तो देखो भाई एक और बंदा हमारा थेरेपिस्ट चेकिंग करता हुआ। अपन चलते हैं गाड़ी में और मौसम भी अच्छा है तो मैं कहते ऊपर पर चलते हैं, देखते हैं ऊपर क्या मिलता है अपने को। बिल्कुल सही, फिलहाल बढ़िया सा मौसम हो गया है फिलहाल यहाँ पे, क्यों मैं गर्मी भी नहीं हो रही इसमें, क्या पानी है ना, आ जाओ ऑसम। तो भैया देखो तेज पत्ता जो कि हम चाय में डाल के पीते हैं पत्ते को, उस पत्ते का और खाने में भी डाला जाता है पत्ता, जो उस पत्ते का पूरा बगीचा है ये, छोटा छोटा बगीचा है, बड़े-बड़े पेड़ हैं इधर इधर साइड से। पत्ता की रोड ऊपर कौन सी रोड थी फिर, और यहीं आके रोड हमारी ख़त्म हो गई भाई। यहाँ से करते हैं कुछ एडवेंचर आसपास के एरिया में, देखते हैं क्या एरिया है। वैसे तालाब टाइप का बना हुआ है ऊपर, टैंकी टाइप की, देखते हैं इसको। और देखिए ये है, ये किसके पेड़ है, ये तेज पत्ता ही है पूरा, देखो तेज पत्ता ही पूरा, और बड़ी इलायची, दालचीनी,
इन सब चीज़ों के यहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। सिन्याड़ी गांव है और यहाँ पे हो रखा है आजकल बाघ का अटैक। बाघ के अटैक की वजह से बकरियों को मार दिया गया है और लगभग हर जगह पहाड़ में इस टाइम पे ना यही हाल है। तो यहाँ पे जगह मिलना ऐसी कोई मुश्किल है, बट ब्यूटी बहुत शानदार है। अगर उस तरफ देखोगे तो पूरा बगीचा दालचीनी पत्तों पत्तों का ही है, तेज पत्ते का, और हर जगह सब लोगों ने ये लगाया हुआ है। देखो इधर भी ये लगाया हुआ है, बहुत शानदार व्यू है, बहुत ही शानदार। बाउंड्री भी करी है सब लोगों ने, लकड़ी की बाउंड्री ना रखी है। और हाँ कोहरे में तो और भी मज़ा आता है इस जगह में, बट देखते हैं हम कहाँ बैठते हैं फिलहाल, चलते हैं। ये देखो छोटे छोटे ब्रिज हैं, छोटे छोटे नहरें हैं, देखो पानी का खुला बना हुआ छोटा सा। और मिलते हैं आगे। तो हमारे राजा भाई सब गए हैं तेज पत्ता लेने के लिए, ताकि ये जो बनाएंगे उसमें तेज पत्ता डालेंगे। और एक किसी से पूछ रहे थे मेरे ख्याल से शायद कि ले जाऊँ नहीं ले जाऊँ, पूछ लिया है, परमिशन मिल गई है तो चले गए। और इसी तरह से मतलब नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करके बनेगी नेचुरल थेरेपी। ओह वीकेंड थेरेपी आज क्या कहता है वीकेंड थेरेपिस्ट, हैं सही कह रहा हूँ ना? तो भाई चलते हैं आगे। तेज पत्ता मार आ गया, दिखा भैया कितने लाया, दिखा हैं कितने लाया। ये तेज पात बहुत क्या, बहुत क्या बताऊँ, औसम है। जैसा मौसम है वैसा ही तेज पात का औसम है। अच्छा ये पहाड़ों के बीच में पूरा रोपड़ का एरिया और यहाँ पूरा पानी वानी भरा हुआ है, तो देखते हैं पानी के आसपास कहीं। और पूरे ऊपर पहाड़ी पहाड़ हैं, बीचों बीच हम रोकड़ में आ रहे हैं, यहाँ पानी भरा हुआ है पूरा पूरा, वहाँ पानी बह रहा है। देखते हैं कहाँ बैठते हैं, इस तरह को किस तरह से इंजॉय करते हैं, बनाते हैं थोड़ा सोचते हैं फिर बनाते हैं। तो ये है हमारे राजा मिस्टर यूके द राजा। देखो ये लकड़ी इन्होंने सारी इकट्ठी कर दी भैया, ये फुल तैयारी में है, ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। तो लकड़ी इकट्ठी कर दी चूल्हे के लिए इसने, अभी चूल्हा इकट्ठा करेगा। ये देखो आज आपको मेकिंग ऑफ चूल्हा भी दिखा रहे हैं पूरी पूरी। ये देखिए इस गोल से पाइप के अंदर हम चूल्हा बना रहे हैं। शाबाश राजा, शाबाश, यू आर द मैन। ये देखो एक और पत्थर, तो देखिए राजा ने चूल्हे का निर्माण कर दिया है। थोड़ा गैप कम कर, चिपका दे बिल्कुल। बहुत गैप है ये, अब ठीक। ये देखिए मिस्टर राजा ने कढ़ाई की सेटिंग भी कर दी है, अब यहाँ चूल्हा जलेगा, फिर यहाँ खाना पकेगा, मेरे लिए मैगी बनेगी, इनके चिकन बनेगा। क्या खाओगे, चिकन खाओगे तुम, चिकन? और लकड़ी तोड़ने के साथ में देखो भाई अपनी माजा, जिसमें कि हमने ऐसे दिखाऊँ ब्रांच का उत्तराखंड का फेमस जूस बना रखा है। माजा ख़त्म हो गई हमारी तो हमने इसमें जूस बना लिया, अब जूस पियेंगे। और ये बहुत फेमस जूस है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है हमारी बॉडी के लिए। और जैसे कि मेरे साथ हेल्थ के इश्यूज चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा डाइजेशन के प्रॉब्लम चल रही है बहुत ज़्यादा, इसके वजह से वीडियो शूट नहीं कर पा रहा हूँ, बट ये जूस थोड़ा सा मेरे को ठीक करेगा और एनर्जाइज भी करेगा, क्योंकि एनर्जी भी वीक पड़ रही है इस टाइम पर, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, बट कोई नहीं जूस पीते हैं। अब तक अपना मन रहा चूल्हा,
राजा ने पूरी तैयारी कर ली है, देखो लेग स्लिप मार ले, ले दे। अरे वाह मजा आ गया। ये देखो वीकेंड थेरेपी का नाम देते हैं मिस्टर मयंक जोशी एंड मिस्टर सतीश गतोड़ी। देखिए पानी के बीच बीच ब्रिज के बीच में बैठ के एक कोने में टोल टैक्स काटने के लिए बैठे हुए हैं लोग, और इससे इस ताल में पानी जा रहा है। देखो ताल कितनी बड़ी हो गई है, ताल टाइप की बनी हुई है पूरी पूरी। और इस साइड भी है नदी का पूरा लुक है, ताल जैसा ही है बिल्कुल, बहुत गहरा है। बट मैं सोच रहा हूँ कि यहीं कहीं बैठ जाते हैं पानी में या फिर उधर चलते हैं यार। बोलो नहीं बैठ जाए, चलो यहीं बैठते हैं। तो भाई आग जला दी गई है और आग के साथ में मेरी मैगी की प्रिपरेशन चल रही है। अभी मैगी बनाएंगे, फिलहाल इस अरेंजमेंट अच्छे से कर लेते हैं पहले। भैया ये डाल चुके हैं प्याज टमाटर और हरी मिर्च खाना मत, लेकिन दो हरी मिर्च डालूंगा तो थोड़ा फ्लेवर आएगा उसका, डाल दे। दो हरी मिर्च डाल दी हैं, मिर्च मुझे खानी नहीं है बट स्टिल सिर्फ फ्लेवर की डाली गई है। तो भाई ये बन रही है मैगी अपनी, और मैगी ऑलमोस्ट बन चुकी है अपनी, डालेंगे प्लेट में और ले जाएंगे हम नदी किनारे। अपनी मैगी हो गई रेडी भाई, और ये सलाद अपना अपनी इंजॉय कर रहे हैं, और साथ ही चलेंगे पानी में, देखते हैं कहीं पानी वानी के साइड में बैठते हैं। चलो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ताल बना हुआ है पानी का, और आगे बहुत गहरा पानी, तैर सकते हैं लेकिन तैरने का मन अभी अपने को है नहीं, तो पानी में बैठते हैं। तो भैया ऐसे लग रहा है जाल, देखो यहाँ पकड़ जाएगी मछली, और पानी के अंदर दिखा दें। तो भाई अपना तो हो गया नहाना धोना पानी में, और ये लोग अभी तक खाना खा रहे हैं भाई। देखो भैया ये चावल अभी भी चढ़े हुए हैं, ये इनका मीट बन चुका है, बोले तो चिकन, और वो चावल चढ़े हुए हैं, अभी भी इन्होंने खाना नहीं खाया भाई। मैं पानी में मस्ती लेके पूरा आ गया हूँ वापस, और ये अभी इनका खाना भी पूरा नहीं हुआ है, बट अपना तो इन्जॉय हो गया जो पानी का इन्जॉय चाहिए था। वीकेंड थेरेपी, प्रॉपर वीकेंड थेरेपी हो गई अपनी, थोड़ा आराम करेंगे फिर निकलेंगे यहाँ से। तो भाई रात हो चुकी है और हम पहुँचे हैं एक अपनी गोस्वामी जी की चाय की दुकान, जो कि आपको मिलेगी कहाँ पे, बस्तिया, बस्तिया की स्टार्टिंग में आपको मिल जाएगी, अगर आप चढ़ते हैं उतरते हैं तो एंड में मिल जाएगी। यहाँ चाय पियेंगे, चाय इन्जॉय करते हैं और ब्लॉग को एंड करेंगे भाई इसी के साथ में। बहुत ही शानदार नज़ारा रहा आपका आज का ब्लॉग भी, बहुत शानदार रहा, बहुत ही इन्जॉय किया। और दुकान देखो लगभग हर चीज़ मिल जाएगी आपको यहाँ पे, खाना वाना सब पकाते हैं, और ये सब चीज़ें हैं लगभग, आ सकते हो आप कभी भी। चिकन बहुत ज़बरदस्त बनाते हैं ऐसा ये मयंक जोशी का कहना है, क्योंकि मैं तो खाता नहीं हूँ भाई, तो हमें नहीं मालूम। नॉन वेज तो बहुत, कभी भी आओ बस स्टैंड बाबा जी के वहाँ ज़रूर रुको। बाबा जी नाम है, हैं हाँ बाबा करके नाम है ना, बाबा बाबा गोस्वामी, बाबा हाँ गोस्वामी बाबा बनना है।
बाबा बन नाम है, हमने इनका नाम नया नाम बना दिया बाबा बन। तो भाई आओ कभी भी, इन्जॉय करो। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। कैसा लगा आपको, कमेंट करना है, शेयर करना है, लाइक करना है, जो करना है करो भाई। हम आपके लिए वीकेंड ट्रिप लाते रहेंगे। तो मिलते हैं, तब तक ले जय हिंद जय भारत।